हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे किचन में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ चने दाल से बने पालक के पकौड़े, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची बनकर तैयार होते हैं और बहुत डिलीशियस भी लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट जो लिया है वो लिया है 1 कप चना दाल और थोड़ा सा करीबन आधी मुट्ठी चावल, जो घर पर नॉर्मल चावल बनाते हैं ना वो। और रात भर इसे मैंने सोख करके छोड़ दिया था सोखने के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए। अब सोख जाने के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया और थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा इसमें डाल के इसका बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया। मिक्सी में जब आप इसको चने दाल को पीसेंगे ना, तो आप थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर देंगे करीबन आधी कप के करीब, तो बढ़िया से इसका एक पेस्ट बन जाएगा। पानी ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब बस मैंने यहाँ पर ले लिया है पालक और पालक को मैंने अच्छे से वॉश करके काट लिया है। इस तरीके से हमें काट लेना है। और मतलब कि ये पकौड़े बनाने में ना ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता, फटाफट से बन जाते हैं। अब जो हमने चना दाल का पेस्ट बनाकर तैयार किया था ना, वो इसमें हम डाल देंगे धीरे धीरे करके सारा। और फिर यहाँ पे मैंने डाल दी है 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और फिर यहाँ पे डाल रही हूँ मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने से और राई और जीरा डालने से, एकदम मसालेदार एकदम मज़ेदार ये पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें हम डालने वाले हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक यहाँ पे मैंने करीबन 1 चम्मच इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। और मैंने 1/4 चम्मच छोटी चम्मच ले लिया है हल्दी। अब 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे बेसन, बस बेसन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, हल्के हल्के हाथों से, दावा ज़्यादा दबा दबा के बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से बस इसे मिक्स कर लेना है। दूसरी तरफ ऑयल भी एकदम गरम हो चुका है। अब इस गरम गरम ऑयल में हम अपने पकौड़ों को तलने के लिए डाल देंगे। बहुत टेस्टी एंड बहुत डिलीशियस लगते हैं ये पालक के पकौड़े चने दाल में, बहुत अमेजिंग लगते हैं। और साथ ही साथ चावल डालने से इनमें एक बहुत अच्छा क्रंचीनेस आता है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, मुलायम तो बिल्कुल भी नहीं बनते। और मज़ा आ जाता है बस इनको खाने में। अब बस 2 मिनट लगने वाले हैं और ये बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएंगे। और दूसरी तरफ मैं चाय भी बना रही हूँ ताकि इन पकौड़े का बढ़िया से लुफ्त उठाया जा सके। अब जैसे आप पकौड़े को डाल चुके हो ऑयल में, तो करीबन 1 से 2 सेकंड के बाद उसे दूसरी तरफ से भी पलट ले और फिर उसे अगेन बीच बीच में इस तरीके से पलटते रहे। मतलब कि अगर आप देखें कि उसमें गोल्डन ब्राउन हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये बढ़िया से सिज गए हैं। गैस का फ्लेम जो है यहाँ पर आपको मीडियम रखना है। जब आप पकौड़े को डाल रहे हो फ्राई करने के लिए, तब गैस का मीडियम एकदम हाई रखना है, फिर मीडियम। अगर आप ज़्यादा कम करेंगे तो ये तेल पी जाएंगे, अगर आप ज़्यादा तेज करेंगे तो कच्चे रह जाएंगे, अंदर से सिजेंगे नहीं और जल जाएंगे। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। ये लीजिए, बढ़िया से जो पकौड़े हैं अब बन चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें एक बढ़िया सा हल्का सा जो है गोल्डन कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउनिश कलर आ गया, मतलब ये अच्छे से पक गए हैं। अब इसे कढ़ाई में से निकाल लेंगे और सर्व करने के लिए तैयार है। अब आप ही बताइए कि मुझे कितना ही टाइम लगा होगा इन पकोड़े को बनाने में, मतलब बन गए ना एकदम झटपट से और क्रंची भी बने अंदर से, तो देखिए कितने प्यारे ये बनकर तैयार हो गए। आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी इन पकोड़ों को देखकर। तो एक बार ट्राई करना तो ज़रूरी बनता है, ट्राई करके ज़रूरी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहले पहुँचे। और आप सभी का ढेर सारा प्यार मुझे हमेशा मिलता है। इसके खासपन को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार मेरे कहने पे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।